आज की शाम तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि खूबसूरती का करेक्ट डेफिनेशन, नॉट जस्ट आवरण, नॉट जस्ट चेहरा, नॉट जस्ट बॉडी, बट उसके बियॉन्ड क्या है. तो मेरे हिसाब से मैं वो वाली खूबसूरती देखने आई हूँ. दिस इज़ वन ऑफ मोस्ट फैंटास्टिक थिंग दैट हैपन्स. व्हाई, आई विल टेल यू. देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल थॉट दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, बट टू मी इट इज़ नॉट एक्सप्लॉयटेशन. यू पिक आउट द स्मार्टेस्ट, द बेस्ट, यू पिक आउट रोल मॉडल्स, यू पिक आउट पीपल हु द यंगर जनरेशन इज लुकिंग अप टू, एंड इफ दे आर करेक्टली चोजन, दे आर करेक्ट रोल मॉडल्स, आई मीन वी आर सेटिंग अ स्टैंडर्ड दैट यू एक्सपेक्ट द लिटिल वंस टू फॉलो. I see my daughter, and from my daughter I know she's a role model to so many, but she also came from a platform like this, and this is the beauty of these kind of contests. It's no longer exploitative at all. It gives opportunities, it gives you confidence. The girls are so bold today, so smart. It all comes because of the rigorous training and the fact that they can face up to difficult situations like this and still make a mark for themselves. I think it's really good. I'm glad they look up to, because I think she is a perfect role model. She has her aberrations as well, but 100% she's perfect role model, because the kind of hard work she's put, the way she's built herself, the way she's created herself, changed herself, she's perfect role model. You just picked up the wrong subject. Hi, good evening everyone. This is Manara and I'm here for Femina Stylista. Beauty pageants, I think they have been a part of my journey because my sister, she won Miss India and then she won Miss World. So it was a great moment of pride for the entire family, and I'm very happy to be here. I have a lot of fond memories, as you just asked, and I mean, this was the first time ki hamari family se koi Miss India pahuncha. In fact, for our family, it was a very big thing ki koi TV tak pahuncha. So yes, a lot of fond memories, and today I'm here for Femina Stylista, and I wish all the contestants all the very best. काफ़ी एक्साइटमेंट है. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवनिंग. कैसा शो पुटअप होने वाला है, कौन क्या कर रहा है. सो इट इज़ एक्साइटिंग एंड इट सॉर्ट ऑफ रिलीव्स योर मेमोरीज ऑफ व्हेन यू नो आई वाज इन द पेजेंट. सो आई लव टू सी एंड यू नो जज एंड होपिंग फॉर अ ग्रेट इवनिंग. बट आई जस्ट से दैट आई लुक फॉर समबडी हु इज ट्रूली पैशनेट अबाउट वॉट दे आर डूइंग, वेरी रियल, और जिनके रिहर्स्ड आंसर्स ना हो पर दिल से आंसर्स आए. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फेमिना के लिए मैं हमेशा से एक्साइटेड होती हूँ. दिस वाज माय फर्स्ट कवर एवर. दंगल के दौरान आमिर सर, फातिमा और मैंने फेमिना के लिए कवर किया था. सो इट्स वेरी स्पेशल एंड इट्स एन ऑनर टू बी हियर फॉर फेमिना स्टाइलिस्ट अवेस्ट. फैशन और स्टाइल के बारे में ज़रूर मैं कंटेस्टेंट से जानना चाहूँगी, उनके व्यूज़, एंड आई होप आई कम अप विद सम गुड आंसर क्वेश्चंस, नॉट आंसर्स, मुझे नहीं दे. थैंक यू. सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया. गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन.